नाइन्थ क्लास स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ये फिगर है, ए ओ बी ई और सी ओ डी, गिवन में क्या लिखा जाएगा? लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, बी ओ ई दोनों का सम 70 डिग्री और बी ओ डी इक्वल क्या है? 40 डिग्री। टू प्रूव लिख सकते हैं या टू फाइन भी लिखा जा सकता है, टू फाइन एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। प्रूफ लिख सकते हैं या सोल्व लिख सकते हैं, सोल्व अब देखते हैं क्या है। एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ये एंगल और इस एंगल का सम दिया है, और बी ओ डी कितना है? बी ओ डी ये 40 है। तो बी ओ ई एट फर्स्ट देखो ए बी और सी डी इंटरसेक्ट, तो एंगल ए ओ सी इजिकल टू एंगल बन जाएगा बी ओ डी, कैसे बनेगा? वर्टिकली, दो लाइन जब क्रॉस करती है तो वर्टिकली ओपोजिट बन जाती है, एंगल बनते हैं। तो एंगल ए ओ सी की वैल्यू क्या आ गई? बी ओ डी, जो बी ओ डी की वैल्यू है वही ए ओ सी की आ गई 40 डिग्री। ये 40 की आ जाती है। अब क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में गिवन में है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इजिकल टू कितने डिग्री है, ये गिवन में है। ए ओ सी की वैल्यू हमने कितनी फाइंड कर दी? 40 प्लस एंगल बी ओ ई इजिकल टू 70, तो एंगल बी ओ ई की वैल्यू आ गई 70 प्लस है, इधर जाके माइनस बन जाएगा, तो माइनस करने के बाद 30 डिग्री आ जाती। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा एंगल बी ओ की वैल्यू आ जाती है। सी ओ ई कहाँ पे है? सी ओ ई, अब एंगल सी ओ ई को निकालेंगे
कैसे निकालेंगे? ये वैल्यू हमारी 30 की आ जाए, आ गई। अब एंगल निकालेंगे हम, AOB इज स्ट्रेट लाइन, यानी कि मेक ए लाइनर पेयर, तो क्या लिखेंगे? एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? लाइनर पेयर, एंगल होगी वैल्यू 40 आ चुकी है, CO को फाइंड करना है हमें, ये 30 इज इक्वल टू 180, तो एंगल COE की वैल्यू आ गई 180। ये दोनों माइनस हो जाएंगे उधर जाके, तो आ जाएगी माइनस करने के बाद CO की वैल्यू 110 डिग्री आ जाता है। तो हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स के लिए 360 में से माइनस करेंगे, 110 क्या आ जाएगा? 250 डिग्री आ जाता है। इस प्रकार ये फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर टू में क्या है? क्वेश्चन नंबर टू में इन एड जॉइनिंग फिगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये इंटरसेक्ट करती है एक्स और वाई, और एम और एन एट पॉइंट ओ और पी परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है। कैसे लिखा जाएगा? एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ एंड एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90, और एंगल ए रेशियो बी आर गिवन 2:3। हमें वैल्यू फाइंड करनी है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सी कहाँ पे लिखा है? सी इस एंगल को नेम, और ये एंगल बी है, ए और बी है, तो सोल्व कैसे करेंगे? हमें एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 90 है, तो लिखो पहले एंगल एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180। एक्स वाई स्ट्रेट लाइन, तो क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर बनाएंगे। लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग 180 हो जाएगी। एक्स ओ एम की वैल्यू बी, एम वैल्यू ए, और इसकी वैल्यू 90। क्वेश्चन में गिवन है 180। अब
बी के जगह क्या लिखा जाएगा, रेशियो के साथ में एक्स लिख लेते हैं, 3x और 2x प्लस 90 इजिकल टू 180। तो 5x, 2x में 3x को प्लस किया, 90 को अदर साइड ले जाते हैं, तो 5x इजिकल टू 90, x इजिकल टू 90 अपॉन 5, 5 से डिवाइड करके 80, तो x की वैल्यू 18 आ जाती है। तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 2 × 18, 36। बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई 3 × 18, 54। हमें वैल्यू चाहिए थी सी की, सी के लिए क्या करेंगे, देखो एम एन इज ए स्ट्रेट लाइन, बी प्लस सी इजिकल टू 180, लीनर पेयर, तो बी की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, 54 प्लस सी इजिकल टू 180, तो सी इजिकल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 54, तो माइनस करने के बाद में क्या आएगा, 6, और 17 में से 2 जाके 12, तो सी की वैल्यू 126 डिग्री आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, 3 में क्या है, क्वेश्चन में फिगर है, फिगर से क्या करना है, प्रूव करना है हमें, ये फिगर है, पी क्यू आर और इधर एस और इधर टी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो क्या लिखा जाएगा, इन ट्रायंगल या इन एडजॉइनिंग फिगर एंगल पी क्यू आर इजिकल टू एंगल पी आर क्यू, इस एंगल को ओनली क्यू और आर मत लिख देना, क्योंकि एंगल पॉइंट क्यू पे दो एंगल बने हैं और आर पे पॉइंट पे टू एंगल बने हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव में क्या हमें करना है, एंगल कौन से एंगल इक्वल करने हैं, एंगल पी ओ एस पी क्यू एस इक्वल करना है हमें एंगल पी आर टी करना है, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे हम एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर 180, पॉइंट क्यू पे और एस आर को सीधी स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल और इस एंगल को सम करके क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा, लीनर पेयर के अकॉर्डिंग, लाइनर पेयर या लीनर पेयर के अकॉर्डिंग आएगा। ऐसे ही आर पे भी ऐसे ही करेंगे आप, एंगल टी आर पी प्लस एंगल पी आर क्यू इजिकल टू 180,
ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम 180 होगा लीनर पेयर के अकॉर्डिंग। बोथ लाइन आर इक्वल 180 तो एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल टी आर पी प्लस एंगल पी आर क्यू बन जाता है। बट एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल पी आर क्यू ये गिवन में है, ये एंगल इससे कट जाएगा क्योंकि बोथ एंगल आर इक्वल इन गिवन, तो क्या रह जाता है एंगल एच क्यू पी इक्वल एंगल पी आर टी लिख लो या टी आर पी लिख लो, टी आर पी एंड प्रो। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4 में दो लाइन इंटरसेक्ट किया गया है, इसमें भी प्रूव करना है इन एडजॉइनिंग फिगर या इन फिगर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्लू प्लस जेड, ये इक्वल में है। प्रूव करना है ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन या एंगल ए ओ बी 180 किया जा सकता है। तो क्या फिगर है, ये फिगर है ये एंगल और ये जेड और वाई और एक्स पुट द नेम ए इंटरसेक्ट पॉइंट ओ है नीचे डी लिखा है और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। प्रूफ में क्या करेंगे, अब देखो एंगल एंगल वाई प्लस एक्स प्लस डब्लू प्लस जेड इजिकल टू 360, ये कंप्लीट एंगल बन जाता है क्योंकि ओ पॉइंट पे चारों तरफ के का सम 360 डिग्री होता है। कंप्लीट एंगल या होल एंगल, कंप्लीट की वैल्यू 360 डिग्री होता है। तो ये दोनों गिवन में क्या है, गिवन में है एक्स प्लस वाई के इक्वल क्या है डब्लू प्लस जेड है, तो डब्लू प्लस जगह जेड की जगह हम एक्स प्लस वाई लिखा जा सकता है और ये 36 सेम रहेगा। अब टू एक्स प्लस टू वाई हो जाता है इजिकल टू 360, टू को कॉमन ले देते हैं इजिकल टू 360 और टू से डिवाइड कर देते हैं डिवाइड बाय टू इन बोथ साइड,
इन बोथ साइड क्या आ जाएगा, टू से डिवाइड करके इधर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई आएगा, इधर 180 बन जाएगा। एक्स प्लस वाई को हम एंगल ए ओ बी या एंगल 180 स्ट्रेट एंगल बन जाता है या ए ओ बी इज ए लाइन। कैन यू से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 में है एक फिगर है, ये 90 यानी कि परपेंडिकुलर है और ये अदर लाइन है एस आर पी और यहाँ पे ओ लिखा है और यहाँ पे क्यू है। इन फिगर तो गिवन में क्या लिखेंगे, इन फिगर पी क्यू आर, पी क्यू आर लाइन है, स्ट्रेट लाइन है पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन है एंड ओ आर रे है, ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू यानी कि 90 का है एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओ एस अनादर रे, प्रूव क्या करना है, एंगल आर ओ एस इक्वल एंगल 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये प्रूव करना है। पी ओ क्यू इज ए लाइन, पी क्यू पी ओ क्यू लाइन है तो एंगल और क्या है, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों गिवन में है। देखो पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन है, जब ये एंगल 90 बन गया तो ये दोनों एंगल का सम क्या बन जाएगा, 90, तो एंगल पी ओ आर की वैल्यू क्या आ गई, 90 आ जाती है। अब जब दोनों 90 के इक्वल है तो ये दोनों एंगल आर ओ क्यू इक्वल एंगल किसके हो जाएगा, पी ओ आर के हो जाएगा। अब इसको नेम चेंज करते हैं, नेम चेंज करके कैसे लिखते हैं, पी
पी ओ आर इक्वल एंगल आर ओ क्यू। पी ओ आर को हम क्या लिखेंगे, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस लिख सकते हैं। अब आर ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल इस एंगल में से इसको माइनस कर दे, इसकी वैल्यू आ जाती है। लिखने में चेंज किया गया है एस ओ क्यू, एस ओ क्यू माइनस एंगल एस ओ आर लिख सकते हैं। अब इस एंगल को इधर लाना है और इस एंगल को इधर लाना है, तो क्या बनेगा, एंगल आर ओ एस प्लस है एंगल इधर माइनस है इधर आगे प्लस हो जाएगा। एस ओ आर लिख लो या आर ओ एस लिख लो, एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस, ये दोनों सेम एंगल है तो टू एंगल आर ओ एस बनेगा, वो इधर सेम रहेगा। एस ओ क्यू एंगल माइनस एंगल पी ओ एस, इधर ये टू मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, आर ओ एस बन जाएगा। वन अपॉन टू लिख सकते हैं, एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। ऐसे ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन में फिगर दिया है। ये फिगर है एक्स वाई पी, एक्स यहाँ पे लिखा है और वाई पे और पी यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे एंगल बना है जेड, ये एंगल और वाई क्यू बना है, ये एंगल ये बाई सेक्टर है, वाई क्यू एंगल पी वाई जेड का बाई सेक्टर है। तो गिवन में क्या लिखेंगे, इन फिगर एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है, एक्स वाई प्रोड्यूस टू पी, ये लाइन थी यहाँ से यहाँ तक इसको प्रोड्यूस किया गया है, वाई क्यू इज बाइसेक्टर एंगल जेड वाई पी लिख लो या पी वाई जेड लिख सकते हैं, जेड वाई पी का बाई सेक्टर है और एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 है। ये वैल्यू 64 है, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, फर्स्ट पार्ट में निकालना है हमें एंगल एक्स वाई क्यू, ये वैल्यू निकालनी है हमें। और तो यहाँ पे टू फाइंड करना, क्योंकि प्रूफ में तो इसमें तो वैल्यू फाइंड करनी है, प्रूफ की जगह सॉल्यूशन कर देना। और रिफ्लेक्स एंगल सेकंड में करना है हमें, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी कहाँ है, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी। तो पहले ये एंगल वैल्यू फाइंड करते हैं,
तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम एंगल एक्स वाई जेड इजिकल टू 64 डिग्री गिवन है वाई क्यू इज बाई सेक्टर एंगल पी वाई जेड, ये भी गिवन में है। तो एंगल पी वाई क्यू इजिकल टू एंगल जेड वाई क्यू इक्वल एक्स एक्स डिग्री कर देते हैं, मान लेते हैं, लेट किया जा सकता है। अब लिखते हैं एंगल, अब पी एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है, पी वाई एक्स इज ए लाइन, तो लाइन होके क्या हो जाएगा एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल पी वाई क्यू इजिकल टू 180। ये लाइन और पेयर बनाते हैं, लाइन पेयर के कारण 180 हो जाता है। ये वैल्यू 64 है, ये वैल्यू एक्स है, और ये वैल्यू एक्स है इजिकल टू 180। 2x एक्स में एक्स को प्लस कर देते हैं, 2x बन जाएगा 64 को अदर साइड। अब 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस कर आफ्टर माइनस 6 17 में से, और x की वैल्यू आ जाती है अपॉन 2 कर देते हैं, 2 से डिवाइड करके 58 डिग्री, x की वैल्यू 58 डिग्री आ जाता है। क्या निकालनी थी हमें एक्स वाई क्यू की, एक्स एक्स वाई क्यू, तो ये तो वैल्यू अब तक किसकी आई है एक्स, और इन ये दोनों की वैल्यू 58 58 आ जाती है। तो हमें निकालनी है एंगल एक्स वाई क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यों लिखते हैं। तो ये वैल्यू 64 की क्वेश्चन के गिवन में है, और 58 हमने निकाल दिए। आप दोनों को प्लस करते हैं 12 डिग्री आ जाता है। फर्स्ट ये कंप्लीट हो जाता है, सेकंड पार्ट कैसे होगा, सेकंड पार्ट में निकालना है हमने रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी क्या है, क्यू वाई पी की वैल्यू क्या आ गई है, क्यू वाई पी की वैल्यू आ गई है 58 डिग्री। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 माइनस 58 तो इजिकल टू क्या आ जाएगा, 302 डिग्री आ जाता है। ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।